वेलकम ऑन योर एंड्रॉइड टेक गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल हैकर्स ऑफ द क्लैश ऑफ क्लैंस गाइस, रियल हैकर्स जो लोग हैक करके खेलते हैं उसके बारे में आज बताऊंगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम ऑन दी एंड्रॉइड टेक गाइस। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हैकर या जेम यूजर जो कहूँ वो ठीक है, लेकिन अजूबा है गाइस, अजूबा। ये जो प्लेयर है उसके पास कोई बैरक ही नहीं है, यानी उसने कभी बारबेरियन आर्चर कभी यूज ही नहीं किया। हालांकि एक बैरक होता है जिसमें आपको सबसे पहले बारबेरियन तो यूज़ करना ही पड़ता है, लेकिन इस प्लेयर के बेस में एक भी बैरक नहीं है। इसने ये किया कैसे गाइस किसी को नहीं पता, लेकिन गाइस ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अजूबा है, अजूबा। गाइस देख लीजिए, इसके पास कोई बारबेरियन नहीं है, इसके पास सिर्फ एक ही बैरक है, वो भी डार्क बैरक। इसने आर्चर अपग्रेड नहीं किए, वो दिख रहा है, वरना इसको उसके जेम जो मिलने होते हैं वो मिलने चाहिए, वो नहीं मिले इसको। लेकिन गाइस इसने क्या यूज़ किया, बैरक गया तो गया काम फर्स्ट वाला, कुछ नहीं तो बारबेरियन तो होना चाहिए गाइस, बारबेरियन भी नहीं है। अब ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है गाइस। चलिए नेक्स्ट में कुछ ज़्यादा कुछ तो है नहीं इस क्लैन में। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्लैन है, अच्छा खासा क्लैन है। इसकी रिक्वायर्ड ट्रॉफी गाइस, इसकी रिक्वायर्ड ट्रॉफी अगर आप देख पा रहे हो तो 1999 ट्रॉफीज है, जबकि 999 ट्रॉफीज। जब आप इसका वॉलॉक तो कुछ बहुत अच्छा ही है, मतलब नॉर्मल से अच्छा है, लेकिन 999 ट्रॉफीज, मतलब कोई ज्वाइन हो तो कैसे इनवाइट से, तो इतनी ट्रॉफीज। जब आप कोई बनाने जाते तब आपको आई थिंक 4200 जितनी ट्रॉफीज आप ले सकते, लेकिन इसने 9999 ट्रॉफीज कैसे की, ये भी एक बहुत मिस्ट्री है। हैक नहीं, मिस्ट्री ले लीजिए, अजूबा तो ये भी है। नेक्स्ट क्लैन, चलिए ये तो ठीक है, अब इतनी ट्रॉफीज आई कहाँ से मुझे तो नहीं पता। तो नेक्स्ट क्लैन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लैन जो है वो भी बहुत कमाल का है, उसी का एक प्लेयर है, क्लैन नहीं सॉरी एक प्लेयर है जिसके पास हैक नहीं, क्लैश ऑफ क्लैन की मिस्टेक आ चुकी है। इसका जो भी है टाउन हॉल, हमको इसके बेस में कुछ नहीं रखा गया, लेकिन ये जो चीज़ है ना इसके बेस में एकदम कॉर्नर पे साइड में एक स्टोन है, स्टोन। लेकिन गाइस आज तक ऐसा कोई स्टोन आपको क्लैश ऑफ क्लैन में कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है, इस प्लेयर को छोड़ के। इस प्लेयर के पास ये स्टोन आया तो आया कहाँ से, इसका बेस तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसके पास है वो स्टोन। स्टोन कैसे, ऐसा स्टोन, स्क्वायर स्टोन, ऐसा कैसे भाई। तो ये तो मैं भी नहीं कर पाया सॉल्व मिस्ट्री, इसके पास तो है स्टोन, ये भला कैसे, ये तो मुझे डेड बेस लगता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्टोन बहुत अच्छा था। नेक्स्ट है 77 क्लैन, जिसका नाम ही 7 है, वो इसकी गाइस टाइटन लेगो। 1 मिनट गाइस, आप थिंक कीजिए कि टाइटन लेगो में क्या टाउन हॉल 7 हो सकता है कभी। इसमें 7 प्लेयर्स है जिसके पास टाइटन लेगो में जो सब के सब वो है, क्या कहते हैं टाउन हॉल सेवन गाइस, टाउन हॉल सेवन कैसे, मेरा भी है टाउन हॉल 7 करंट, लेकिन मैं टाइटन में तो नहीं हूँ, गोल्ड में बाल बाल हूँ, गोल्ड में आसानी से क्रिस्टल एगो करने में दिन रात लगा दो फिर शायद होगा, मैक्स होगा तभी शायद क्रिस्टल एगो मिल जाएगा, लेकिन इन सभी का मैक्स है, लेकिन टाइटन लगो चैम्पियन से भी ऊपर, वाह चैम्पियन लगो नहीं पहुँच सकते, इन लोगों ने टाइटन कर दिखाई। मैं तो कहता हूँ इनके लिए हमें क्लैप करना चाहिए।
एक्चुअली इनकी अटैकिंग ऐसी होती है। तो ये तो ठीक है, अब टाइटल लेगो में पहुंच गए। बिल्डर बेस भी बन रहे हैं, ये डेड बेस नहीं है, नहीं तो बिल्डर बेस ऐसे कैसे। तो बस बराबर है, लेकिन ये तो समझ में नहीं आता सेवन सेवन क्लैन का किसी भी प्लेयर का। गाइस सेवन जो प्लेयर है उन सेवन क्लैन में से किसी में भी जाओगे ना, टाउन हॉल सेवन होगा और सब लोग टाइटन होंगे, और उनके बेस में कुछ तो स्पेशलिटी होगी, जैसे कि स्वैग स्वैन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये पता नहीं कैसे इन लोगों ने ऐसा बेस बना दिया है जो कि टाउन हॉल सेवन है। मैक्स है, कोई शक नहीं मैक्स ही है, तो उन लोगों के पास टाउन हॉल सेवन है। मतलब कैसे, जब आप किसी और के क्लैन में जाके, जैसे कि हम किसी को भी ले लें, सब लोग टाउन हॉल सेवन है। लीडर को तो बेस देखिएगा, इस लीडर का बेस देखने लायक है गाइस, देखने लायक। ये है ड्रैगन, ड्रैगन टाउन हॉल सेवन में ही खुलता है, सबको पता है, लेकिन ये ऐसा मस्त बेस, बेस भी बढ़िया है। और इस सभी की टैग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, तो अभी मत भागिए टैग लिंक की तरफ, अभी आप पहले पूरा वीडियो देखिए। इनका ये जो है बराबर है बिल्डर बेस, लेकिन टाउन हॉल गाइस बिल्कुल भी सही नहीं है। टाउन हॉल सेवन टाइटन लेवल में, यानी ये साबित क्या करना चाहते हैं, हर कोई टाउन हॉल सेवन वाला है। इसमें सेवन प्लेयर्स है, फर्स्ट नहीं है टाउन हॉल सेवन, शायद मैंने जब लास्ट टाइम देखा, कुछ कुछ तो चैंपियन लेगो वाले भी है जो भी टाउन हॉल सेवन बिलोंग करते हैं, टाउन हॉल सेवन चैंपियन लेगो, शायद वो भी सेवन ही होंगे। सेवन सेवन नाम ही देखो क्लैन का, अभी देखिए खुल रहा है, लोड होगा, ये खुल गया टाउन हॉल सेवन फिर से। बेस तो देखने लायक गाइस, बेस भी मस्त है। कैसे, हाउ हाउ दे डू दैट, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताएं कि इन लोगों ने ये कैसे किया, सिर्फ यही बताइए। मतलब टाउन हॉल सेवन ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है गाइस आज की। चलिए इसका तो मतलब इस क्लैन का टैग मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, टैग लिंक जो आप डायरेक्ट क्लैश ऑफ क्लैन से खोलते हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इन लोगों ने ये कैसे किया कोई नहीं जानता। जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट प्लेयर ये शायद किसी पे भी विजिट मारोगे टाउन हॉल सेवन भी निकलेगा, मेरी गारंटी। टाइटन लेगो वाले हैं टाउन हॉल सेवन, जब ये अटैक माने जाते हैं उनको, तब इनको कि टाउन हॉल सेवन का कोई दिखता भी होगा टाइटन लेगो में, शायद दोस्तों भी मार देते होंगे अटैक, है ना गाइस। मिस्ट्री, नेक्स्ट मिस्ट्री, नेक्स्ट मिस्ट्री गाइस, एक क्लैन है जो जिसमें सारे लोग टाउन हॉल सेवन एट है, एट, लेकिन गाइस एक एट होता तो चलो ठीक है, दो एट है चलो ठीक है, दोनों का बेस एक जैसा है चलो ठीक है, दोनों में एक ही चीज वन सेम टाइम में कुक हो रही है चलो ठीक है, लेकिन इतने सारे प्लेयर्स, शायद तकरीबन 10 प्लेयर है इसमें जिनका सभी का टाउन हॉल एट एक जैसा ही बेस, एक जैसी स्ट्रक्चर, एक जैसा ही मतलब सब कुछ एक जैसा, सिवाय उस ट्री ट्रंक के, लेकिन शायद वो भी हो मुझे नहीं पता ट्री ट्रंक का, लेकिन बेस का इस बेस सारे का लोगों का बेस एक जैसे है। जहाँ पे विजा टावर है वहाँ पे विजा टावर, जहाँ पे एयर डिफेंस है वहाँ पे एयर डिफेंस, मतलब सब कुछ एक। और कुकिंग में गाइस जो सेम कुक हो रहा होगा वही कुक होता रहता है, जैसे अभी ड्रैगन है तो ड्रैगन ही रहेगा हर एक के पास। इनमें बॉट भी नहीं दिखती गाइस, बॉट तो दिखनी चाहिए, ब्रोकन तो ब्रोकन, बॉट भी नहीं दिखती, शायद ना भी दिखती हो मुझे क्या पता है। लेकिन गाइस ये क्या है, मतलब सभी प्लेयर का आप खुद ही चेक कीजिएगा टैग लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये सभी लोग, आपको लगता है कि एक ही आदमी है जिसने ये सारे बेस बनाए हैं अपनी मेहनत से, और वो अब देखता तक नहीं इसलिए एक ही चीज़ कुक में रख देता है, पता नहीं क्या है मिस्ट्री, लेकिन मुझे नहीं पता, सारी चीज़ें एक जैसी, ये भी एक मिस्ट्री है क्या है, पता नहीं क्या है। तो ये तो भाई कमाल है,
ये भी एक बड़ी मिस्ट्री है। एक जैसे बेस करना गाइस मुझे बताएं, मेरे पास मेरे ब्रदर के पास भी टाउन हॉल्स है ना, हम दोनों ने एक जैसी चीज़ें की है लेकिन हम कभी भी एक जैसा बेस नहीं कर सकते। इन लोगों ने किया कैसे मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो। लेकिन सच में गाइस मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में नेम के साथ इन सभी का क्लैन टैग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सही में दिया है। अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो या मैं आपको फेक लगूं तो आप देख रहिए उसमें, सही में ऐसा है। और गाइस किसी भी क्लैन में आप जाएंगे ना, किसी भी या किसी भी प्लेयर में आपको बॉट दिखती है, 100% बॉट दिखती है। इन लोगों में बॉट क्यों नहीं दिखी, ब्रोकन तो ब्रोकन दिखती तो है। ये मेरा दूसरा है, असली वाला नहीं है, देखिएगा इसमें इसमें क्या। किसी भी प्लेयर का ले लेते हैं, उसमें आपको मैं बॉट दिखा देता हूँ कि किसी भी प्लेयर में जाएंगे तो उसमें ब्रोकन तो ब्रोकन, बॉट तो दिखती है, ब्रॉट आई होती है तो अब सबको दिखती है, ब्रोकन भी दिखेगी। ये देखिए, समझ गए आप लोग, उसमें बॉट भी नहीं दिखती, टाउन हॉल 7 है, सॉरी 8 है, कैसे। तो गाइस ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे भी बहुत अच्छे खासे उस पहली वीडियो में कमेंट्स आए थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट लिखे, स्पेशली सोमय रंजन साहू जी का मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। आप मुझे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए गाइस, मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।